हाँ तो तुम भी तो रुक सकते थे वहाँ, रुक नहीं सक रहे थोड़ा देर, रुक जाते ना वहीं। तो अभी हम आए हैं उर्गम, और क्यों आए हैं क्योंकि यहाँ पंच केदार में से एक केदार कल्पेश्वर है, कल्पनाथ, तो उसके मंदिर जाने के लिए आए हैं। और देखो सामने कितना खूबसूरत झरना आ रहा है, और थोड़ी देर बाद अभी हम मंदिर जाएंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये देखो, ये है उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा निर्देशांक अक्षांतरिया देशांतरिया ऊँचाई, और रुद्रनाथ यहाँ से है 80 किलोमीटर दूर, तुंगनाथ मंदिर है 97, मधमहेश्वर है 157, केदारनाथ है 178, और बद्रीनाथ जो मंदिर है 70 किलोमीटर दूर। मधमहेश्वर का नहीं दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है मधमहेश्वर का। तो देखो चार यहाँ हो गए, पांचवा केदार ये हो गया, और बाकी यहाँ पे ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं। तो ये है कल्पेश्वर मंदिर के बारे में। कल्पेश्वर मंदिर उर्गम घाटी में समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर एक विशाल पत्थर के नीचे है जहां भगवान शंकर की जटा रूप में पूजा होती है। पंच केदार के तीर्थ यात्रा के स्थान में यह पांचवा केदार है। मंदिर गुफा में विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ यहां पर स्थित कुंड से समुद्र मंथन के लिए जलपात्र में जल दिया, जिससे 14 रत्न की उत्पत्ति हुई। मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि को संतान प्राप्ति मेला होता है। मंदिर के नीचे कल्प गंगा बहती है, जिसे हिरणावती भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारी पूर्व समय से नेगी परिवार से हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भल्ला भी कहा जाता है। अभी हम जा रहे हैं भगवान कल्पनाथ, जो कि शिव जी का मंदिर है और पंच केदारों में से एक केदार है, और ये उर्गम गांव में स्थित है, उर्गम घाटी। और यहाँ भगवान शिव के केस मतलब बालों की पूजा होती है, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ देखो, यहाँ पे लोगों ने पत्थर रख रख के ये बनाया हुआ है। चलो बाकी, हाँ कुछ मकान से रिलेटेड रहता है, अपना घर टाइप का ना। और देखो कितनी खूबसूरत जगह है। थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है यहाँ, लेकिन सही है, मतलब जगह सही है, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और थोड़ा ही ट्रैक है, ज़्यादा नहीं है। वहीं पुल से थोड़ी उधर गाड़ी रुकती है, वहाँ पे से थोड़ा पैदल है, कोई भी नॉर्मल आदमी आ सकता है, जिसको ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत होती है वो भी आ सकता है, इतनी कोई ख़ास चढ़ाई नहीं है। लेकिन जो यहाँ का रास्ता है ना, या तो फिर आप लोकल ड्राइवर के साथ आओ, या तो फिर आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो तो तभी आओ, कि बहुत ख़राब रास्ता है, इतना ख़राब रास्ता मैंने कभी देखा नहीं। बाकी अभी यहाँ पे जूते चप्पल खोलेंगे और अंदर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। Thank you.
तो ये पूरा एक पूरी चट्टान है, और वहाँ अंदर है भगवान जी का मंदिर, और वहाँ अंदर फोटो वीडियो खींचना बिल्कुल मना है, बाकी यहाँ बाहर पे कर सकता है। और यहाँ पे हनुमान जी के, गणेश भगवान की भी मूर्ति है। केदारनाथ दर्शन ये देखो, छोटे छोटे शिवलिंग, पंच केदार दर्शन, पंच केदार के दर्शन कर लो, 12 ज्योतिर्लिंग के भी। तो अभी हमने दर्शन कर लिया और अब हम नीचे आ गए हैं, और ये पुल काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हमने भजन वगैरह भी किए वहाँ, और काफ़ी एकदम शांति सी, एकदम ठंडक थी वहाँ, काफ़ी अच्छा भी लगा हमको। बाकी ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और जब हम चल रहे हैं ना ये पुल हिल भी रहा है एकदम से, और ये देखो ये झरना भी आ रहा है नहाने के लिए। पर इतना ठंडा पानी होगा ना कि इंसान जम जाएगा। बाकी ये झरना देखो, ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। बाकी अभी हम इस पुल पे ना तो हिल रहे हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए उर्गम से, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा गधेरा है एक छोटा सा, और बगल में ही एक पुल का काम चल रहा है। जल्दी ये पुल भी बन के तैयार हो जाएगा, तब आना जाना इस पुल से होगा। और अभी हम निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब सड़कें हैं यहाँ की, और बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है इन सड़कों की, कीचड़ ही कीचड़। अभी देखते ही पता चल रहा है कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, तो बरसात में बिल्कुल भी ना आए, और सही मौसम में आए एकदम। तो देखो चारों तरफ हरियाली वगैरह है यहाँ, और ठंडा भी है, लेकिन सामने वाले पहाड़ पे बहुत कम पेड़ है, और कहीं कहीं पे तो आग भी जली हुई थी, तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा धुआं वगैरह हुआ है यहाँ। और रुकने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, होम स्टे रेस्ट हाउस बहुत सारे हैं यहाँ, प्राइस वगैरह का मालूम नहीं है बिल्कुल। और बाकी आप लोग आओ तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ,
बाकी दुकान वगैरह सब अवेलेबल है। और यहाँ का जो हर खेत वगैरह इतना खूबसूरत नज़ारा है, ये देखो सामने वाले पहाड़ पे भी अभी रोड जा रही है, उसका काम चल ही रहा है। बाकी देखो खेत वगैरह काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो एक बार जरूर आना उर्गम। ये देखो यहाँ रास्ते में कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। यहाँ भी आग लगी हुई है खतरनाक। खतरनाक धूल उड़ी है। यहीं पर हमारी गाड़ी फंसी थी, नीचे जाते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। देख रहे हो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। वहाँ गायें हैं इतनी सारी। कष्ट के लिए खेद है, कष्ट ही कष्ट है। नीचे देखो नदी का कलर एकदम चेंज हो गया। इसके सींग देखो, और ये है जो बद्रीनाथ से नदी आ रही है अलकनंदा नदी, इसका कलर देखो। ऊपर साइड शायद बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। बाकी अब आ गए हैं हम उर्गम से, हेलंग पहुंचने ही वाले हैं। तो देखो अब बारिश शुरू हो गई है और अभी हमने हेलंग पे खाना खाया है यहाँ पे। और देखो ये खुमानी लिया है, और ये देखो बारिश शुरू हो गया गाइस। मौसम बिगड़ते जा रहा है, आंधी तूफान भी हो रहा है। पकोड़े सकोड़े खा के अब यहाँ से चलते हैं। मैंने पकोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। नकल क्यों नहीं बैठ रहा? तो अभी यहाँ पे हम फंस चुके हैं, आगे एक बड़ा ट्रक, पीछे भी गाड़ियाँ, जगह ही नहीं है। कौन है बस वाले? ये बस वाले भी जब देखो घुसते रहते हैं इनको कुछ।
सब्र नहीं है किसी को भी। क्या हो गया? हाँ तो तुम भी तो रुक सकते थे वहां, रुक नहीं सक रहे जरा देर, रुक जाते ना वहीं। देख भी रहा था इतना बड़ा ट्रक है, इतनी पतली रोड में घुसे ही जा रहा। तो अभी हम पीपलकोटी पहुंचने वाले हैं और देखो बारिश तेज हो गई है। हेलंग में हल्की फुल्की बूंदा बांदी हुई थी, फिर बंद हो गई थी उसके बाद, पर वहाँ देखो सामने इतनी खतरनाक वाली बारिश हो रही ना, बहुत ही मेरे को लग रहा बद्रीनाथ साइड हो रही ज़्यादा तगड़ी बारिश। देखते हैं कहाँ तक होती है वो, देखो कितनी खतरनाक होती है उधर, पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खतरनाक बारिश। चलो गाड़ी भी धुल जाएगी इसी वाहन है। कौन सी वाली साइड है? उर्गम तो अभी हम चमोली पहुंचने वाले हैं और ऊपर दिखाई दे रहा है गोपेश्वर, और इधर की तरफ काफ़ी आंधी तूफान हो रहा है, बारिश तो मिली नहीं रास्ते में, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी जहां देखो वहां। बाकी ये देखो गोपेश्वर दिखाई दे रहा है ऊपर हल्का हल्का, और आंधी तूफान हो रहा खतरनाक। ये देखो कितनी खतरनाक आंधी तूफान हो रहा है, एकदम चारों तरफ धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, खतरनाक हो रखा है मौसम आज इधर की तरफ। पीछे तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी चल रही थी। तो अभी हम पहुंच गए हैं करण प्रयाग, और आंधी तूफान देखो कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, और अब जाएंगे सीधा घर, काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई है, अब आपको डायरेक्ट घर पे मिलता है। तो फाइनली पहुंच गए हैं घर पे, और काफ़ी ज़्यादा हालत भी ख़राब हो गई है, और आंधी तूफान भी हो रहा था रास्ते में। मेरी और नकुल की पिठाई अभी तक बची हुई है, बाकी सबकी पिठाई साफ हो गई। अरे मुन्नू हमने इतना मज़ा किया ना, अब ब्लॉग देखना तब तेरे को पता चलेगा। देखिए इसकी पिठाई मिट गई, इसकी भी मिट गई। मैंने तो मुंह धुलाना रास्ते में, धूल हो रही थी बहुत ज्यादा। ले जा नए तो थोड़ी हो, अब बैठ तो थोड़ी बाज रहा है इसका गोबर। मैं आ रहा हूं, तो मैं हूं। टैटू दिखा अपना, टैटू वाला ये टट्टू बनवा रहा है अपने हाथ में। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय गाइस।